एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग लगभग 1.50% के आसपास जबरदस्त बाइंग देखने को मिला। रही बात इस वीडियो के अंदर जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ टेक्निकल बेस के ऊपर बता रहा हूँ, और कम से कम आपका 2 से लेकर 3 हफ्ते का होल्डिंग प्लान है तो ये एनालिसिस काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस एनालिसिस को देख के आप बैंकिंग सेक्टर के ETF भी खरीद सकते हो और बैंकिंग सेक्टर के आप स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। रही बात साथ में साथ ऑप्शंस के भी लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा कि आने वाले दिनों में कौन से ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रही बात फर्स्ट टाइम विजिट करें, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कर रहा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के भी लेवल्स प्रोवाइड कर रहा था, तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस का भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस वहाँ पे आपको मिलता है। तो अभी क्लोजिंग प्राइस की बात करूँगा तो 630 पॉइंट की जबरदस्त आपको बाइंग देखने को मिल चुका है, और प्राइस वाइज बात करेंगे तो 45,500 के आसपास क्लोजिंग हो चुका है। रही बात मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करूँगा कि अभी तक बॉटम से कितना परसेंट का रिटर्न आपको बना के दिया और कितना रिटर्न बना के दे सकता है। तो बॉटम की बात करूँगा तो लगभग लगभग 17% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है, और ये जो बाइंग देखने को मिल रही है मार्च से अभी तक ये बाइंग देखने को मिल रही है। तो लगभग लगभग 6 महीने का समय यहाँ पे होने वाला है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और बात करूँगा यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके पहले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करूँगा। वो रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रहा है आप देख सकते हो, इस लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और सपोर्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के आ रहा था। प्रीवियस रेजिस्टेंस देख लीजिए यहाँ पे 44,500 के आसपास प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और प्रीवियस सपोर्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे 43,400 के आसपास प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा था। जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो ये जो मार्केट का जो रेजिस्टेंस होता है ये आने वाले दिनों में क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो 44,500 का क्या बन गया, अभी सपोर्ट जोन बन गया ये, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट अभी टेम्पररी बेस के लिए। और इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 44,500। तो ध्यान में रखना मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जब तक 44,500 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक ये बुल मार्केट है और ये मार्केट अप ट्रेंड है। ध्यान में रखिए क्या है, अप ट्रेंड है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको बाय ऑन DP ही स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, और साथ में साथ आपको कॉल ऑप्शन भी प्रेफर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि डेली कैंडल के बेस के ऊपर किस तरीके का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो छोटी सी गिरावट आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आपको यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए कॉल ऑप्शन। तो ये लेवल के बाद जबरदस्त सपोर्ट लिया मार्केट ने और बढ़िया रिकवरी देखने को मिल चुका है। तो ये जो जोन बनता है 45,600 से लेके 45,500 का रेंज, ये 100 पॉइंट का ये बन गया अभी रेजिस्टेंस जोन। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेकआउट करेगा तो कम से कम जो पिछले वाली जो रैली मिली, बात करूंगा पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज जो पिछले वाली जो रैली मिली थी वो लगभग लगभग 3% के आसपास रैली देखने को मिला था, और इसी ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 3% की हम रैली एग्रीगेट करते हैं तो आने वाले दिनों में 3% निकल के आ रहा है 46,800। तो आने वाले दिनों में 46,800 तक आपको बैंक निफ्टी जाती हुई देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सबसे बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है HDFC बैंक। HDFC बैंक के जबरदस्त रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रहा है। सेकंड स्टेज है ICICI बैंक में भी ब्रेकआउट है, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। थर्ड है HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और काफ़ी दिन से एक साइडवे जोन में ट्रेड कर रहा था, हो सके कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेकआउट कर दे और आने वाले दिनों में अपसाइड को जो टारगेट रहेंगे वो 46,800 तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 2 से लेकर 3 हफ्ते का आपका प्लान होना चाहिए। बात करूँगा कौन सा आप ऑप्शन यहाँ पर बाय कर सकते हो, तो 46,000 का यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हो, आने वाले दिनों में ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। जब तक 44,500 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता
तब तक आपको पुट ऑप्शन के साथ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पे कॉल ऑप्शन ही प्रेफर करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी बाइंग है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो ध्यान में रखना पुट ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो और कॉल ऑप्शन को आपको कंटिन्यू कैरी कर सकते हो। और फ्यूचर की बात करूँगा तो आप 46,800 तक के टारगेट के लिए पोजिशन होल्ड कर सकते हो। बात करूँगा ब्रेकआउट की, तो ये ब्रेकआउट आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। इस लेवल के बाद अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बात करूंगा कोई ईटीएफ में बाय करना चाहती है तो ईटीएफ भी बाय कर सकते हो। बैंक बीच वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे बैंक बीच इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप सेफ रिटर्न निकालना चाहते हो तो इस ईटीएफ को भी बाय कर सकते हो। रही बात अभी जो स्टॉक है पर्टिकुलर, तो आप एचडीएफसी बैंक के साथ भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी मैंने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बताने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल